हेलो दोस्तों, अगर आप केवल ये एक प्रोडक्ट को सेल करते हो तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट बन जाता है 3,000 रुपए का। तो अगर आप मिनिमम डेली का केवल 10 प्रोडक्ट भी सेल कर देते हो तो उसका कैलकुलेशन आप यहाँ पर अच्छी तरह से निकाल ही सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप इस बिजनेस को महीने में अच्छी तरह से कर लेते हो तो यहाँ पर आपकी अर्निंग लाखों रुपए के अंदर तो कंफर्म हो ही सकती है। दोस्तों, आज के टाइम पर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो उसके अंदर मेनली आपको इन 3 चीजों के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए। वो है MFP। ये क्या है? एम यानी कि मोनोपोली। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यार आज के टाइम पर सभी बिजनेस के अंदर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। ऐसे में हम बात करें कि मोबाइल शॉप, तो वो तो आपको आपके एरिया के अंदर 10 से 15 देखने को मिलने ही वाली है। यहाँ तक कि एक मेडिकल स्टोर भी एक एरिया के अंदर 3 से 4 आपको मिल ही जाते हैं। तो ऐसे में यार कोई भी बंदा अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वहां पर कस्टमर आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो ऐसे में आप जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके अंदर आपको एम का यानी कि मोनोपोली का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें एफ यानी कि फ्यूचरिस्टिक, आपका जो भी बिजनेस है वो आने वाले 10 से लेके 20 साल तक चलना ही चाहिए, क्योंकि हम सबको अच्छी तरह से पता है कि COVID-19 के कारण काफी सारे बिजनेसेस बंद हो गए। पर क्या दोस्तों, आप जानते हो कि उन सभी बिजनेस के बंद होने का पीछे का मेन एक ही रीजन था कि उसका आगे का कोई फ्यूचर ही नहीं था। तो ऐसे में आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करो वो एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होना चाहिए। इसके अंदर थर्ड नंबर पर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पी यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं रिलायंस के बारे में, टाटा के बारे में, या फिर कोई से छोटे स्टार्टअप के बारे में जो कि आज के टाइम पर अच्छी तरह से सक्सेसफुल बन गया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन देखने को मिल जाएगी कि इन सभी चीजों के अंदर जो भी वो लोग अपने कस्टमर को प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट या फिर सर्विस लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और इसीलिए आज जाके उनका ये बिजनेस या फिर स्टार्टअप इतना बड़ा बन पाया है। तो आपको भी अपने नए बिजनेस के अंदर ये थर्ड नंबर पर पी यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेके आना चाहिए। दोस्तों, ये तो मेरी पर्सनल राय है, बट आपको क्या लगता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए? आपकी जो भी राय है वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हो, और उसी के साथ में कमेंट के अंदर आपका नाम भी जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि किसने ये कमेंट करा है। तो दोस्तों, इन सभी बातों का अच्छी तरह से ध्यान में रख के ही आज का ये बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस को अगर आप आज के टाइम पर स्टार्ट करते हो तो इस बिजनेस के अंदर आपको किसी भी तरह का रॉ मटेरियल नहीं खरीदना है, किसी भी तरह की छोटी या फिर बड़ी मशीन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां तक कि मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि अगर आप इनिशियल स्टेज पर यानी कि एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो तो इस बिजनेस को आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आपको करना क्या है, केवल आपको कंपनी से प्रोडक्ट को लेना है, इसके अंदर अपना मार्जिन ऐड करना है, और ये प्रोडक्ट आपको अपने कस्टमर को दे देना है। बस इतना करने से एक प्रोडक्ट के पीछे आपका प्रॉफिट हो जाएगा 3,000 रुपए का। तो दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने के लिए सर हमारे साथ है। तो सर, आपका स्वागत है बिजनेस की बात YouTube चैनल में। तो सबसे पहले आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रसिक पटेल है और हमारी फर्म का नाम है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और हम लेटेस्ट सिक्योरिटी के नाम से हमारे ब्रांड को प्रेजेंट करते हैं। पिछले 2005 से हम टेक्नोलॉजिकल बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, और जितनी भी डिमांड रहती है मार्केट में नई नई प्रोडक्ट की, तो हम लोग वो मार्केट में लॉन्च करते हैं। ओके, तो सर अगर यहाँ पर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें कि जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने व्यूअर्स को बताया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, कुछ यूनिक प्रोडक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट सभी को रहती है, बट इस बिजनेस के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट की रेंज है उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को बताइए। हमारे पास तो सर भाई बहुत सारी प्रोडक्ट है, जिस तरह से मार्केट में डिमांड रहती है उस तरह से, समझो ये बाइक सिक्योरिटी है। ओके। अभी चोरी चपाटा बहुत मार्केट में हो रही है, बाइक चोरी हो जाती है, तो उसके लिए हमने बाइक सिक्योरिटी, हमारे पास है कोई बड़ी प्रीमाइसिस है समझो, कि जहाँ पे कोई 1,000-2,000 स्क्वायर फुट का शोरूम है, कोई बड़ी फैक्ट्री है, उसके लिए हमारे पास ये हाइब्रिड 5 सिस्टम है। तो उस तरह से जितनी भी मार्केट में समझो हम एनालिसिस करते हैं, R&D करते हैं, उसके हिसाब से जितनी भी प्रोडक्ट की जरूरत रहती है तो हम लोगों मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो सर अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल ये छोटा सा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये किस तरह से वर्क करता है, मेनली इसका काम क्या रहता है उसके बारे में बताइए। ये इकोफाई है। ओके। ये प्रोडक्ट RF इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई रहती है। ओके। इसमें आप 12 सेंसर अटैच कर सकते हैं, समझो आपका कोई 2,000 स्क्वायर फुट का शोरूम है
और आपके आपके यहाँ पे एंट्रेंस दो या तीन है तो उस जगह पे ये इसके साथ लगे हुए अटैचमेंट वहाँ पे जुड़ जाएंगे और जहाँ पे भी समझो कोई रात को आप वर्किंग आवर के बाद समझो हमें टेंशन रहता है कि हम घर पे चले जाए उसके बाद हमारा प्रीमाइसिस में जो भी स्टॉक पड़ा है उसके में हर दिन चिंता तो रहती है। हाँ, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है। समझो आपने एक बार लगा दी वहां से कोई एंट्रेंस में समझो कोई भी वहां पे पग भी खड़ा करेगा तो एक हेवी सायरन बजेगा और पांच हमने यूजर एड किए होंगे इसके अंदर में उन सबको नोटिफिकेशन आएगा, कॉल आएगा। ओके, यानी कि दोस्तों ये सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, प्रोडक्ट है। यानी कि अगर इस प्रोडक्ट को आप अपने कस्टमर को सेल करते हो, फॉर एग्जांपल किसी का कोई बड़ा गोडाउन है, कोई बड़ा शोरूम है, वहां पर अगर वो इस तरह के प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन कर लेगा तो जब भी वहां पर कोई भी चोरी करने आएगा या फिर कोई भी ऐसी घटना घटती है कि जिसके कारण शटर कोई खोलने की ट्राई करता है, तो ऐसे में अगर ये शटर के साथ अटैच रहेगा, इसके अलावा उसका जो भी एरिया होगा, जो भी उसका शोरूम होगा, वहां पर वो अलग अलग टाइप के सेंसर भी अटैच कर सकेगा, तो जैसे ही कोई भी वहां पर मूवमेंट होंगी तो वो जो भी सेंसर होगा वो इसे डिटेक्ट कर लेगा और ये सायरन बजने लगेगा। और सर जैसे कि आपने बताया कि पांच यूजर ऐड करना है, तो उसके मोबाइल पर कैसे पता चलेगा कि कोई चोर आया है या फिर कोई ऐसी मूवमेंट हो रही है वहां पर? समझो कोई हमारी प्रीमाइसिस में एंट्रेंस करने की कोशिश करता है तो वैसे ही ये सिस्टम ट्रिगर हो जाएगी और एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद जितने भी यूजर हमने इसमें ऐड किए हुए हैं सभी यूजर को पहले मैसेज जाएगा कि ये जोन में से सिस्टम एक्टिवेट हुई है। समझो इसमें पांच सेंसर हमने लगाए हैं तो पांच अलग अलग सेंसर लगेगा तो उसको अलग अलग हम जोन में डिवाइड करेंगे। जिस भी जोन से ये सिस्टम एक्टिवेट हुई है वो जोन का मैसेज आएगा, उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट कॉल आएगा। ओके ओके, यानी कि कॉल आता है इसकी मदद से। तो इसके अंदर किस तरह की सिस्टम का या फिर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया या फिर इसके अंदर क्या चीज इंस्टॉल रहती है जिसके कारण कॉल आ जाता है? इसमें हम एक पर्टिकुलर सिम डालते हैं, जैसे हम मोबाइल में सिम डालते हैं वैसे ही, तो एक वही नंबर रहता है और आप इसको एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं। एक आप जब रात को समझो घर पे चले जाएंगे आपकी जगह से तो आप इसको एक्टिव करके रखेंगे, उसके बाद समझो रात को कोई ऐसा कोई चंचला करता है तो उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगी। ओके, यानी कि पूरी तरह से आपका जो भी एरिया है वो सिक्योरिटी से हो जाएगा। सर यहाँ पर आपके पास तो काफी सारे प्रोडक्ट है, तो क्या हम हमारे व्यूअर्स को इसका डेमो करके दिखा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह से वर्क करता है? राइट, बिल्कुल दिखाते हैं। हमारा एक जो फास्ट मूवमेंट वाला जो एक इंस्ट्रूमेंट है मल्टी शटर सिक्योरिटी सिस्टम, उसका डेमो हम आपके व्यूअर्स को बताते हैं ताकि उसको पता चले कि कैसे काम करता है और इसकी क्या क्या खासियत है। ये है मल्टी शटर सिक्योरिटी सिस्टम। अब हम इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। सबसे पहले हमें इसकी पिछली जो बॉडी है उसका आधा हिस्सा निकाल लेना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और अब हमें नैनो सिम कार्ड लगाना है इसमें। ओके, अब ये दो एंटेना हमें लगानी है, और ये है जीएसएम एंटेना और ये है आरएफ कन्वर्टर। आरएफ कन्वर्टर एंटेना है वो सब सेंसर अटैच करने के लिए है। जो हमें सिम कार्ड लगाया है उसके ही बाजू में हमें ये जीएसएम वाले एंटेना लगानी है, और इसके ऑपोजिट साइड हमें आरएफ कन्वर्टर लगाना है। ये आरएफ कन्वर्टर है वो हमें सेंसर अटैच करने के लिए ही लगानी होती है, और बाद में हमें सिस्टम को पावर दे देना है ऐसे। ये पेरोट एलईडी हो गई है, मतलब इसे पावर मिल चुका है, क्लिक करना होगा। ये आप देख रहे हैं ऑरेंज एलईडी है, इसका मतलब कि मीडियम इसमें चार्जिंग है। जब पेरोट होती है तो इसमें फुल चार्जिंग होता है, और रेड हो जाती है तो इसमें चार्जिंग नहीं होता है, हमें चार्ज करना पड़ता है। अब हमें एप्लीकेशन की मदद से इस नंबर रजिस्टर्ड करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन में जाना पड़ता है, और मल्टी शटर सिक्योरिटी सिस्टम है उस पर क्लिक करके उसमें जाना होता है, और प्लीज़ एंटर योर फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर हमें रजिस्टर करने होते हैं, वो नंबर हमें इसमें डालने होते हैं। फिर हमें यूज़र पे क्लिक करके रजिस्टर करने होते हैं नंबर। ओके, तो यू आर रजिस्टर हैज़ बीन मेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करके, और हमें मैसेज भी आ चुका है, यू आर रजिस्टर्ड एज ए यूज़र वन, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेस, यूज़र वन हम बन चुके हैं, और चार है वो एम्प्टी है यानी कि खाली है। आप फैमिली मेम्बर्स को भी बना सकते हैं यूज़र। फिर हमें ये जो सेंसर है वो इससे अटैच करना होता है। मान लीजिए कि आपके एक मेन सोफ है, मेन शटर है और पांच अलग शटर है, तो आप मेन शटर है उसमें ये मेन सिस्टम लगा देंगे, और जो पांच सेंसर पांच शटर है आपके उसमें ये सेंसर लगा सकते हैं।
इसको हमें ऐड करने के लिए एप्लीकेशन में ऐड जोन में जाना पड़ता है और जोन वन का ऑप्शन जो दिया गया है उस पर क्लिक करके यहाँ एक सिंगल बीप बचेगी और फिर डबल बीप बचेगी, यानी कि हमारा सेंसर है वो अटैच हो गया है इसके साथ, हमने इस मेन सिस्टम के साथ अटैच कर दिया है। और हमें इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आप जब घर पे जा रहे हो तो शटर को आपको क्लोज कर देना है और जो पिछला वाला शटर है उसको भी क्लोज कर देना है ऐसे, और फिर 15 सेकंड का गैप लेके एक बीप बजेगी, यानी कि हमारी सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गई है। ओके, तो हमारी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गई है और उसका मैसेज भी हमें मिल जाएगा टेक्स्ट में। और फिर बाद में कोई चोर है वो मेन शटर से नहीं आता है लेकिन पिछला वाला जो शटर है उससे आता है, तो डायरेक्ट मेन सिस्टम को पता चल जाएगा और उसमें साइरन बजने लगेगा। ये मेन शटर वाला जो शटर है वो नहीं ओपन होगा लेकिन चोर पिछले वाले शटर से आएगा तो डायरेक्ट साइरन बजने लगेगा ऐसे। एक्टिवेट कर देना है और उसका भी मैसेज हमको मिल जाएगा टेक्स्ट में से, ये मैसेज हमें मिल चुका है सिस्टम डीएक्टिवेट बाय यूजर वन। अब हमने शटर वाला तो देख लिया कि ये कैसे लगता है और मैंने जो बताया था कि इसके साथ 5 सेंसर और भी अटैच कर सकते हैं, ये शटर वाला तो हमने देख लिया। बाद में वो चोर है वो कोई और जगह से आता है तो ये ह्यूमन बॉडी का है, ये ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करता है, ये है मोशन सेंसर और ये है डोर मैग्नेट जो आप डोर पे लगा सकते हो, और ये स्मोक एंड फायर सेंसर है और ये है पैनिक स्विच यानी कि इमरजेंसी बटन SOS। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि आपके प्रोडक्ट की मदद से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से आपके साथ जुड़ सकता है? हाँ तो सर अभी क्या है, आप समझ लो आप इंडिया को छोड़ेंगे अब्रॉड लेंगे तो जितने भी कंट्री है वहाँ पे 70-80% इसके यूजर है। कोई भी छोटी दुकान हो या बड़ा कोई शोरूम हो या बड़ी कोई फैक्ट्री हो वहाँ सभी जगह पे ये लगी हुई रहती है। हमारे इंडिया मार्केट में कैसा है अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, अभी क्या है सब जो 1000 आप कोई 1000 का फिगर लीजिए उसमें से आपको एक ही सिस्टम इसका इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा देखने के लिए मिलेगा। ओके, यानी कि बहुत ही बड़ा मार्केट इंडिया के अंदर अवेलेबल है कि केवल 1-2% लोग ही इसका यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप इनके साथ जुड़कर ये बिजनेस स्टार्ट करो तो ये सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि यहाँ पर आप मोनोपोली बना सकते हो कि इस तरह के प्रोडक्ट का बिजनेस आपके एरिया में कोई भी नहीं करता होगा, तो इस चीज का बेनिफिट आपको हो सकता है। सर अगर हम बात करें कि कोई भी आपके साथ जुड़कर डीलरशिप या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? डीलरशिप में कैसा रहता है, समझो हम पान इंडिया पे अभी हमने डीलरशिप चालू की है और डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें चालू कर दिया पान इंडिया। समझो कोई पर्टिकुलर एरिया की किसी को डीलरशिप चाहिए तो उस बंदे को हमारे यहाँ से 50,000 की एक फिगर का उसको परचेज करने का रहेगा, उसमें अलग अलग सब सिस्टम हमारी आ जाएंगे जितने भी SKU हमारे पास अवेलेबल है उसके सेंसर वो सब आ जाएंगे, उससे वो स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद समझो किसी बंदे को डीलरशिप नहीं लेनी है और सैंपल पीस से चालू करना है तो हमारे पास से वो 5-7 पीस लेके सैंपल से भी स्टार्ट कर सकता है अपना बिजनेस। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये हो जाती है कि काफी सारे लोगों को डर रहता है कि अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो ये चलेगा नहीं चलेगा, तो ऐसे में सर आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं कि केवल आप सैंपल लेके आपके एरिया में ट्राई कर सकते हो, लोगों को इसके बारे में बता सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस आपके एरिया में चल सकेगा तो ऐसे में आप इनकी डीलरशिप या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो और इस बिजनेस को वहां से स्टार्ट कर सकते हो। सर इसके अंदर अगर हम प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है तो अगर ये प्रोडक्ट आपके यहाँ डीलरशिप कोई भी लेता है तो उसको ये प्रोडक्ट मिनिमम में ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा और वो एंड यूजर यानी कि अपने कस्टमर को अराउंड कितने में सेल कर सकता है? अभी समझो दूसरा ये प्रोडक्ट की बात करते हैं ये इको 5 है। ये प्रोडक्ट कस्टमर कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचेगा डीलर कोई भी तो उसको कम से कम 5,000-7,000 तक का उसमें प्रॉफिट स्कोर रहेगा। प्रॉफिट यानी कि दोस्तों जितने भी प्राइस में ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर आपका मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन
4 से लेकर 6 हजार के बीच में हो सकता है, यानी कि एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो सर यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम पर मार्केट के अंदर इतने सारे बिजनेस है, तो सभी बिजनेस से अच्छा ये बिजनेस क्यों है? क्यों इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे इंडिया के अंदर काफी कम लोग जानते हैं, इसके बारे में बताइए। उसमें क्या है तुषार भाई, ये बिजनेस स्टार्ट करने का मेन रीजन आपको मैं बताऊं तो उसमें ये है कि अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है, वैसे अभी पास्ट में कोरोना क्राइसिस गए है, 2-3 साल से सब लोग एक टाइप का स्ट्रगल ही कर रहे हैं प्रेजेंट बिजनेस में, तो इसकी अभी अवेयरनेस बहुत कम है मार्केट में, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसकी सब लोगों को जरूरत भी है, लेकिन है क्या किसी के पास वो एक समझाने के लिए कुछ है नहीं या कुछ प्रोडक्ट नहीं है, अभी इसकी कॉम्पिटिशन भी बहुत मार्केट में बहुत कम है। और आप इंस्टॉलेशन का समझ लो तो जिसके पास भी 5 लाख से 10 लाख का स्टॉक इसके प्रीमाइसेस में पड़ा है उस बंदे को इसकी जरूरत है ही। ओके। तो सर यहाँ पर हमने प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में बात करी, और एक सवाल हमारे व्यूअर्स के माइंड में आता होगा कि अगर आपके साथ जुड़कर वो ये बिजनेस स्टार्ट करते तो ये किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, इसकी किस तरह से ट्रेनिंग रहेगी, वो क्या आपकी तरफ से अवेलेबल रहेगी सारी चीज? यस, हमारा एक IVR नंबर आपको डिस्प्ले पे प्रेजेंट होगा, वो नंबर पे आप कॉल करना, आपको उसमें सेल्स एंड सेल्स सपोर्ट मिलेगा, उसमें टेक्निकल सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, आफ्टर सेल्स सर्विस सपोर्ट भी आपको मिलेगा। समझो यहाँ से हमारे पास कोई डीलरशिप लेता है और वो बंदा रिटेल में किसी को सेल करता है, उसको कुछ दिक्कत आती है तो हमारा एक IVR नंबर है, उसमें अलग अलग मेन ऑप्शन दिए गए हुए हैं, उसमें वो बात कर सकता है, उसको कुछ समझो इस समय कोई इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंजेस आ रही है, तो उसकी भी उसमें सोल्यूशन हो जाएगा। उसके अलावा हमारी YouTube चैनल है हमारी खुद की, उसमें हमने जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है सबके अलग अलग हमने इंस्टॉलेशन वीडियो उसमें प्रेजेंट किए हुए हैं, तो वहां से भी वो बंदा देख के वो कर सकता है। तो सर यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये आपके जितने भी प्रोडक्ट है सभी टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो अगर ये कहीं पर खराब हो जाते हैं एंड यूजर के पास, तो इसके पीछे कुछ उनको वारंटी गारंटी कुछ मिलता है? यस, मिलती है। हमारे कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ से परचेज करेंगे तो आप कंज्यूमर को यानी कि एंड यूजर को आप 2 साल की वारंटी आपको देनी है। ओके, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उसके पीछे उसको 2 साल की वारंटी मिल जाती है। समझो कोई भी हमारी लीडरशिप लेता है तो इन फ्यूचर में जितने भी हम YouTube के माध्यम से या कोई भी प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसमें जितने भी हमारे लीडर बने हुए रहेंगे उन सबका हम उसमें नाम और उसका नंबर उसमें प्रेजेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि उन लोगों को एक बैक साइड सपोर्ट भी मिलेगा सेल्स के लिए। और जितने भी हमारे समझो कोई हमारा कोई IVR में कॉल आता है, समझो कोई आपके आपके वीडियो के माध्यम से किसी ने वीडियो देखा, कोई कोई कस्टमर ने देखा और कस्टमर ने हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे इंक्वायरी की, तो जो भी जिस टेरिटरी में आता होगा जिसके अंडर में डीलरशिप में आता होगा हम उसको डायरेक्ट फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि यहाँ पर कंपनी की तरफ से आपको कस्टमर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी कि अगर अभी आप इनकी डीलरशिप या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आपने गुजरात के अंदर या फिर दिल्ली के अंदर इनकी डीलरशिप ली और दिल्ली से कोई भी इंक्वायरी आती इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो कंपनी डायरेक्ट वो इंक्वायरी आपको ट्रांसफर कर देगी ताकि आप अपने प्रोडक्ट को उस कस्टमर को सेल कर सको। तो ये चीज कंपनी की तरफ से आपको 100% सपोर्ट के रूप में मिल जाती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का ये बिजनेस आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।